नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, स्ट्रक्चर डिजाइनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज का टॉपिक हर एक सिविल इंजीनियर जो अभी पास आउट है या फिर अभी कॉलेज में पढ़ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो करियर में क्या क्या बन सकता है, वो कौन से पाथ को चूज कर सकता है अपने लिए। हम लोग ने हर सेमेस्टर में लगभग 5 सब्जेक्ट पढ़े, टोटल 8 सेमेस्टर पढ़ते हैं, लगभग 40 सब्जेक्ट पूरे पढ़ते हैं। इसमें से ढूंढना कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा फील्ड हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है उसमें आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कि उसको चूज करना कि मुझे कौन सा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैसे रेलवे इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, सर्वे का पार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, हाईवे का पार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, या फिर बिल्डिंग से रिलेटेड काम करना इंटरेस्टिंग लग रहा है। इन सब चीज़ों को जानते हैं आज। साथ ही साथ हम जानते हैं कि हमारे करियर में अपने पास कौन से ऑप्शंस हैं, हमारे पास करियर में क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जो आता है सबके दिमाग में, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट में क्या क्या होते हैं, कौन से सेक्टर्स होते हैं, उसके बाद पब्लिक सेक्टर कौन से हैं और प्राइवेट सेक्टर कौन से हैं, उसके बाद कहीं मुझे ट्रेनिंग करना है तो मैं कहाँ कर सकता हूँ, कैसे कौन सी ट्रेनिंग अवेलेबल है, आपको हायर स्टडी करना है तो क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास, साथ ही खुद का फर्म सेटल करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में किस किस फील्ड में आपको जॉब मिल सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पर आपको बहुत सारे डिविजन्स मिलेंगे, बहुत सारे ब्लॉक्स मिलेंगे। जैसे उनमें से कुछ कॉमन बात आता हूँ, रूरल इंजीनियर सर्विस, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भी बोलते हैं। इंडियन रेलवेज में जा सकते हैं, रेलवेज में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एक्यूरेसी से वर्क होता है। आप चाहें तो हाउसिंग बोर्ड, पूरी रो हाउस, पूरे कॉलोनी बिल्डअप करते हैं, इसमें पूरा आप एक घर के बारे में पूरे डिटेल में एग्जीक्यूशन देखना रहता है। साथ ही साथ आप CPWD में कर सकते हैं, इसमें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके रोड से लेके ब्रिज तक जाते हैं। सिमिलरली आपके PWD जो स्टेट PWD होते हैं उसमें माइनर ब्रिजेस इंक्लूड होते हैं, रोड इंक्लूड होते हैं और भी बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूड होता है। उसके बाद आप स्टेट नगर निगम में भी जा सकते हैं, नगर निगम भी बहुत वास्ट काम करता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जैसे स्टेट MSC या फिर हमारे यहाँ जो चलता है छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, इसमें पूरा मेडिकल के फील्ड से रिलेटेड होता है, हॉस्पिटल का बनना, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस पूरा उस डिपार्टमेंट में आता है। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर्स में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी, आप क्या क्या बन सकते हैं। पब्लिक सेक्टर्स में आपको मेनली उनके खुद के एग्जाम जैसे सेल और बेल, दोनों खुद के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, साथ ही साथ आपको गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू इन एग्जाम में लग सकते हैं, और भी जैसे NTPC पूरे जितने भी पावर प्लांट के होते हैं वो भी आपके पब्लिक सेक्टर है। बहुत इंजीनियर्स इस बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर तो वही है जो गवर्नमेंट सेक्टर है। नहीं, पब्लिक सेक्टर्स की कंपनी का कंट्रोल या फिर मुझे बोलना चाहिए 51% अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट के पास रहता है, इसके कारण वो पब्लिक सेक्टर रहती है। साथ ही साथ और भी कंपनीज है जैसे NHAI, इसरो, और भी ऑयल की इंडस्ट्रीज है जो भी पब्लिक सेक्टर्स में आती है, HPCL, IOCL। अब बात करते हैं हम प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। सबसे पहला इस पर एक खासियत होती है कि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं बहुत आसानी से, कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्टिंग है आप उस फील्ड की आप जॉब अपॉर्चुनिटी लें, उस फील्ड की आप स्किल डेवलप करें तो आसानी से आपको जॉब मिल सकती है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड है तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, बिल्डिंग डिजाइन में जा सकते हैं, साथ ही साथ आप रियल इस्टेट में जा सकते हैं। रियल इस्टेट के बाद और भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग करना है, बहुत बड़े स्केल में करना है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हाईवे एंड एयरपोर्ट में कर सकते हैं। एयरपोर्ट में बहुत एक्यूरेसी के साथ काम होता है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग के साथ काम होता है। उसके बाद आपको कहीं मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है, या फिर आपको कंस्ट्रक्शन प्लानिंग स्टेज में मजा आता है कि किस किस स्टेज में कितना वर्क लगना है, क्या कॉस्ट लगना है, तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद कहीं आपका WRE पार्ट, वाटर रिसोर्स से रिलेटेड पार्ट है, तो उसमें भी होता है, उसका भी पूरा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट सेक्टर ही करती है। उसके बाद आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पूरा ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में इंटरेस्टिंग जानते हैं तो वो भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप एक सर्वेयर का पार्ट भी कर सकते हैं, सर्वेयर भी एक इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब बात करते हैं आपको ये सब करने के लिए कई बार ट्रेनिंग की जरूरत होती है, आपके पास ट्रेनिंग के लिए क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आपको इंडस्ट्री बेस्ड होती है, इंडस्ट्री में भी होती है, कुछ कुछ इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, या फिर समर ट्रेनिंग प्रोग्राम, कई कई इंडस्ट्री कुछ कुछ महीनों के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, आप वहाँ जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ गवर्नमेंट स्कीम आती है कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। आप आज के डेट में लॉकडाउन के कारण बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको पूरे ऑनलाइन मिल जाते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलते हैं, जहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन आपको जिस भी फील्ड का चाहिए उस फील्ड का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको आसानी से मिल जाएगा। जिससे जो पहले की बात किए थे जैसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इन सब में जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है, आपके पास ट्रेनिंग सेट हो, स्किल सेट हो। तो अब इसके बाद कहीं आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ में क्या होता है, कहीं आप लोग BE हैं, B.Tech हैं, तो आप M.Tech में जा सकते हैं, M.Tech भी हैं तो आप डॉक्टरेट में जा सकते हैं। साथ ही साथ ये सब नहीं करना आपको
थोड़ा सा मैनेजमेंट स्किल की तरफ जाना है तो आप MBA कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, और भी बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। कहीं आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो भी वो सिविल लाइंस के लिए खुला है, अपन लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। आप चाहें तो एनवायरमेंटल स्टडी होती है, जीरो वेस्ट प्रोग्राम्स होते हैं कि उसको एक स्ट्रक्चर को जीरो वेस्ट कैसे बना सके, साथ ही साथ जीरो इलेक्ट्रिक कंजप्शन कैसे बना दें कि ये पूरा घर है परंतु कंज्यूम 0% इलेक्ट्रिसिटी करता है, वो कैसे होता है उसके बारे में पूरा जान सकते हैं, उस पर आइए स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने दम पे खुद इंडस्ट्री खोल सकते हैं, खुद एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ओन का फर्म, खुद का फर्म, खुद का बॉस बनिए, सबसे ज्यादा मजा आता है। उतना ही आपके लिए लोड रहेगा जितना दूसरों के लिए 12 घंटे काम कर रहे हैं, खुद के लिए 20 घंटा काम कर पाएंगे आप। अब इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, सबसे पहले आप एक कंस्ट्रक्शन की फर्म डाल सकते हैं, या फिर आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, आपको सप्लाई से रिलेटेड, आप मटेरियल एक जगह से लेकर दूसरे जगह सप्लाई, मटेरियल सप्लायर का काम कर सकते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम कर सकते हैं, आपकी अच्छी पहचान है अपने लोकल एरिया में तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका ऑटोकैड स्किल अच्छा है, आपका रिविट स्किल अच्छा है, मतलब 3D एलिवेशन बहुत अच्छा बना सकते हैं, प्लानिंग मस्त जबरदस्त कर सकते हैं, तो आप आर्किटेक्चरल फर्म भी डाल सकते हैं। और इन सबसे भी मजेदार, आज की डेट में ऑनलाइन सर्विसेज के कारण बहुत ज़्यादा डिमांड है फ्रीलैंसिंग की, लॉकडाउन के कारण बहुत जॉब्स चली गई हैं परंतु फ्रीलैंसिंग की जॉब उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेक्शन कम हो जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पर दिन के बेस में आपको काम, पर डे पर आवर्स के बेस में आपको काम मिलेगा। एक प्रोजेक्ट, एक आर्किटेक्ट है उसके लिए आप पहले काम कर लिए, फ्रीलांसिंग हो गया। आपको स्ट्रक्चर डिजाइनिंग पार्ट आता है तो आप वो भी कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। इस तरह से आपके लिए फ्रीलांसिंग के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।